हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की, तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस करें आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, देख लीजिए। फीलिंग्स भी देख लीजिए और सुबह की एनर्जी भी देख लीजिए। द डेवल द लवर्स, ठीक है। तो आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर कोई इंटेंशन फीलिंग्स क्या है, उनका मूड तो आप देख ही रहे हो, क्या बात है। आज बहुत सारे जंप हो रहे हैं कार्ड। आज शुभ शुभ हरे शिव का नाम। द डेवल द लवर्स, आज शुभ शुभ द सन, क्या बात है। टेन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द एम्परर। साइन है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, सारे साइन है। कार्ड देख लीजिए, आपके पार्टनर कितना पैशनेट एनर्जी है, कितनी लॉयलिटी है, इन्हें बहुत प्यार आ रहा है आप पे, ठीक है। आपके पार्टनर को प्यार तो आ रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके बगैर इनका दिल भी टूट रहा है, क्यों नहीं समझ पा रही हो, आप समझ पा रहे हो कि ये नाराज क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, आप उनकी खोज खबर क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। देखिए, कुछ वर्ष आपके पार्टनर की इधर हालात जो ऐसे हैं कि बार बार इनको हेल्थ इशू भी हो रही है, ठीक है, या इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है जो बार बार इनको परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको पहला ही कार्ड देख लीजिए कि वो क्या फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप उनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हो। वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लॉयल हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश में ये लगातार आप पर नज़र भी रख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन लगातार आप पर नज़र भी रख रहे हैं, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। द चैरियट है, मैं ये चैरियट की एनर्जी है, कॉल, मैसेज भी है, टैक्स भी, या फिर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने एक्शन भी लिया हो, ठीक है। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, यहाँ पर दिख रहा है कि एक्शन भी लिया हो, क्योंकि द चैरियट की भी एनर्जी है, कॉल मैसेज आया हो या न्यू बिगनिंग हुई हो, ठीक है, या फिर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं और ये जल्द करेंगे ऐसा वो कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्सन के मन में प्यार भी है, इकरार भी है, कॉल भी है, मैसेज भी है, इमोशंस भी हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर जो एनर्जी चल रही है वो थोड़ा परेशान है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी बता रही है कि इनके एनर्जी में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जहाँ इन्हें या फिर इनको पेन मिल रहा है या किसी ने इनको बैक स्टेप किया है, ठीक है, कोई इनके साथ गलत किया है या फिर इस पर्सन की हेल्थ इशू हो रही है, जहाँ ये इस वक्त थकावट सी एनर्जी है,
एनर्जी काम नहीं कर रही है, लूज कॉन्फिडेंस नहीं, और जैसे लाचार हो जाना, बेबस हो जाना और किसी का सपोर्ट ना पाना। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये पर्सन आपसे नाराज नहीं है, ये खुद से भी नाराज है। ये पर्सन जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये आपसे नाराज तो है ही, क्या कहा जाए कि थोड़ी नाराजगी उनकी खुद से भी है। मतलब थोड़ा आपसे, थोड़ा खुद से, खुद लाइफ से, खुद सिचुएशन से। तो ये बंदा इस वक्त कंफ्यूजन इसलिए इनके मन में हो रहा है कभी कभी कि आपसे ये मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो उनके लिए। इनके अंदर तो आपके लिए प्यार है, लेकिन थोड़ा आपका रिएक्शन, रिएक्ट करना, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने भी आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको तकलीफ दी है, इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है। अब यही पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। थोड़ी इनसिक्योरिटी तो होती ही है कि बंदा या बंदी ये कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन की ये थोड़ी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, कह सकते हो थोड़ी इनसिक्योरिटी भी, क्योंकि इन्होंने आपको तकलीफ दी है और आपने उन्हें प्यार दिया है, चाहत दिया है, हद क्रॉस करने वाली आपने वो अनकंडीशनल लव दिया है। तो देखिए, ये बंदा आपको स्पाई जरूर कर रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का कि क्या आप इन्हें फिर से वो प्यार दोगे, क्योंकि यहाँ 10 of Swords की एनर्जी, 3 of Swords की एनर्जी, इनको भी पहले कोई है जो इनको बैक स्टेप किया है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको भी किया है, लेकिन ये थकावट, ये बेबसी क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 100% इनसिक्योर है। ये बात करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, क्योंकि इनको आपका प्यार चाहिए। इवन कि बहुत एनर्जी अट्रैक्शन फील कर रही है, ठीक है। ये पर्सन रोमांस, प्यार, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। तो इस बंदे के अंदर आपके लिए जरूरत से ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है, तो कोई भी बंदा है, कि अब इनको आप तक पहुंचना है, अगर आप मौका नहीं दे रहे हो, तो ये चीज है कि ये कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी कहा ना, ये बंदा इनसिक्योरिटी के साथ थोड़ा ईगो से डील कर रहे हैं, ये नहीं कि प्रॉपर इनकी हीलिंग हो चुकी है। नो, प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है। इनके अंदर दर्द है, पेन है, पीड़ा है, लेकिन आपके साथ आके इनके लाइफ में वो खुशी आ सकती है, जहाँ वो खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप उनके लिए दर्शन हो, सक्सेस हो, ग्रोथ हो, सेलिब्रेशन हो, आप इनके लाइफ में वो खुशी देते हो। तो वही वाली बात है कि ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके साथ मिलना और रियूनियन चाह रहे हैं। देखिए, ये इनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी, इस पर्सन को यहाँ पे वो गिल्ट नहीं है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। इनसिक्योर हैं कि वो आपका सामना करना चाहते हैं, जो आपसे चाह रहे हैं वो प्यार हमें मिलेगा या नहीं, ठीक है। ये इनसिक्योर जरूर हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर इनका ईगो डाउन नहीं हुआ है। ये नाराजगी खुद से भी है और आपसे भी है, पेन इनको भी है, लेकिन इस वक्त जो नीड है इनकी, क्या वो नीड इनकी पूरी होगी। तो अगर काफ़ी टाइम से ये बंदा आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में रहा है, तो देखिए कुछ वर्ष आपके पार्टनर हो सकता है कि उनकी जो चाहत है वो आपसे, आपके करीब आना, प्यार करना, टाइम स्पेंड करना। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हाँ, उन्होंने तो आपके साथ आपको दर्द दिया है, इनको भी एहसास है, बैकस्टेप किया है, किसी और की वजह से इन्होंने आपको हर्ट भी किया है, आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, धोखा दिया है। बट ये बंदा सोच रहा है, लेकिन अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करा। अगर ईगो को कंट्रोल करेगा या करेंगी, तो फिर कहेगा वो ये बंदा मेरे पास झुक कर आया है, मुझे प्यार मांग रहा है मुझसे, ऐसा आप सोचोगे। इसलिए थोड़ा सा ये ईगो से भी डील करें। बट इनके अंदर देखिए रोमांस, अट्रैक्शन कितना है, आप कोई लगातार स्पाइक कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी दिली इच्छा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। स्ट्रांग एनर्जी है, पैशनेट, लेकिन इस थकावट एनर्जी को कैसे हील करना है वो आप ये पार्टनर बखूबी समझ रहे हैं। अपने पेन को, अपने दर्द को, अपने हेल्थ इशू को कैसे रिमूव करना है, हील करना आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। तो कुछ व्यर्स आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आप देख रहे हो फील कर रहे हैं, और आपके तरफ कॉल मैसेज भी कर सकते हैं और आपके तरफ आ भी सकते हैं।
आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो ये आप भी समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ आपकी एनर्जी है कि आप यहाँ पे उन्हें अपना काउंटर पार्ट समझते हो, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में आप के लिए अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी एनर्जी अभी भी थोड़ी सी मैं कहूंगी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है। ओ माय गॉड, प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है। यहाँ पे जब आपके साथ हो जाएंगे तो इनके अंदर पावर भी आ जाएगी। ठीक है, ये बंदा अब आपके तरफ आना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो इतना याद रखें, पेन जरूर मिला है लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी ने इनको निचोड़ा है तो आपके तरफ प्यार पाने आ रहे हैं अपने काउंटर पार्ट के पास। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर जो दिखा रहे ईगो, नाराजगी, कन्फ्यूजन, ये सो है, दिखावा है। दरअसल इनके अंदर थकावट, बेचैनी, उदासीपन और इनसिक्योरिटी भी है। तो आपसे बेहतर प्यार करने वाला कौन इंसान मिल सकता है? तो इस पर्सन के अंदर है कि आपको ऑफर करना चाहते हैं, लगातार वो आपको स्पाइक कर रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं कि क्या करें, थोड़ा तो शर्म आएगा ही इंसान को कि इन्हें क्या ज़रूरत थोड़ी है और ये आपकी तरफ क्यों जा रहे हैं और आप कैसे रिएक्ट करोगे इनको ये भी पता है। तो ये बंदा इसलिए थोड़ा सा सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कन्फ्यूजन कैसे क्लियर करूं, कैसे आपको मनाऊं, कैसे आपके करीब जाऊं। तो यहाँ रोमांस, चाहत, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी काफ़ी है और इमोशंस भी ऑफर करने की है, बट यहाँ पे थकावट इनकी एनर्जी को है। तो अब इस एनर्जी को कैसे हील करना है आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है, तो उनकी हीलिंग चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके नीड। ठीक है, और वो जॉय करना चाहते हैं आपके साथ, जो जॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं, फन मस्ती मजा करते हैं, जो रोमांस करते हैं ना, वो कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होता। अब इस पर्सन को आपके साथ रोमांस भी करना है, ऑफर भी करना है और लगातार, ऐसा नहीं है लगातार ये बंदा आप पर फोकस कर रहा है या कर रही है, जो भी बंदा है ये बहुत ज़्यादा आप पर फोकस कर रहा है। एक टाइम के लिए आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है या पाड़ी है। ठीक है, और ये स्पाइक करते करते ये आपको ऑफर भी कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी नाराजगी, कन्फ्यूजन अभी भी है लेकिन थोड़ा गलती इनकी भी है। ठीक है, ये आपको किसी और के लिए बैकस्टेप किया है, ये बंदा या बंदी हो, धोखा दिया है, दर्द दिया है, सेपरेशन दिया है, बैकस्टेप किया है। लेकिन इसलिए बंदा जब थक गया है, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये बंदा जब थका है, जब इनकी सोल, इनकी इनके माइंड बॉडी सोल की चाहत बढ़ रही है, इनको हीलिंग चाहिए, तो आज आपका प्यार याद आ गया। ठीक है, तो कहा जाता है जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। तो यहाँ पे चाहत बहुत ज़्यादा है और स्ट्रांगली यहाँ पे पैशनेट एनर्जी है और यहाँ पे चाहत और अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न भी है, ईगो भी है, ये सिर्फ दिखावा है, थकावट है, इनको हीलिंग चाहिए और आपका प्यार चाहिए। क्योंकि यहाँ लगातार ये बंदा कैसे आपसे डिस्कस करे, कैसे आपसे कांटेक्ट करे, कैसे अपनी नीड को पूरी करे, क्या ये नीड उनकी पूरी होगी, ये चाहत उनकी पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये बंदा लगातार आप पर नज़र रख रहे हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ रोमांस, प्यार, अट्रैक्शन, ट्रैवल, सेलिब्रेशन, ये सब करना है ताकि इनके इनकी एनर्जी पूरी तरह स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि इन्हें हेडक भी हो रहा है, बैकस्टेप हुआ है, तो यहाँ पे दर्द भी है या हेल्थ इश्यू हो रही है। इस पर्सन को थकावट दूर करना है और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में है क्योंकि इनको थर्ड पार्टी ने दिया डंडा। अगर इन्होंने दिया था आपको बैकस्टेप और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ किया था, तो आज ये बंदा थर्ड पार्टी को पूरी तरह प्रॉपर छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये चीज छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनको पेन इसलिए है क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी ऐसे है जहाँ आपके पार्टनर को अटैचमेंट रहा है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन हाँ वो आपकी तरफ आएंगे तो शायद आपसे मिलने के बाद हो सकता है कि उनकी थकावट दूर हो, उनकी एनर्जी हीलिंग होए और कुछ एक्शन ले, कुछ डिसीजन ले। लेकिन प्रॉपर डिसीजन लेके ये बंदा नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर डिसीजन लेके बंदी नहीं आ रही है। यहाँ पे प्यार, इमोशंस जरूर दिख रहा है, सबसे बड़ी बात आपकी चाहत, आपकी प्यार, आप जो उनको प्यार देते हो, जो इनकी नीड होती है, उस वजह से ये आ रहे हैं।
प्रॉपर हीलिंग चाहिए और आपके साथ टाइम स्पेंड चाहिए, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है, माइंड बॉडी सोल, प्रॉपर पूरी हीलिंग, माइंड बॉडी सोल, और आपके तरफ आएंगे, इनको हीलिंग प्रॉपर मिल जाएगी। ट्रैवल भी है, रियूनियन भी है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। नेक्स्ट एक्शन, देखिए, इन्होंने सच का सामना कर लिया है। कहने का मतलब, आपके पर्सन ने, शायद इनके पेरेंट्स से भी फाइटिंग हो रही है। अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी पेरेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ फाइटिंग हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स बिल्कुल आपके खिलाफ हैं। अगर आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीजन भी लेना चाहते, तो मैंने क्या बोला, स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि जब जब आपकी बात होती है, पेरेंट्स से रिलेटेड भी कुछ बात हो रही है, अगर इनके पेरेंट्स से रिलेटेड बात हो रही है, वहाँ इनकी फाइटिंग हो रही है। लेकिन अब आपके पार्टनर को जैसा धोखा और चीट मिला है, जिस तरह की नीड पूरी करते हो आप, चाहत पूरी करते हो, प्यार पूरे करते हो, इनको प्रॉपर गाइड करते हो, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। या फादर हो, फादर फिगर हो, जो भी हो, या फैमिली मेम्बर्स हो, कहीं ना कहीं इनकी फाइटिंग हो रही है, पेरेंट्स से हो रही है, ठीक है, या रिलेटिव से हो रही है, या थर्ड पार्टी का कोई फैमिली मेम्बर्स है, अगर थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व है आपके पार्टनर के लाइफ में, और पेरेंट्स, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के कुछ लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, जैसे उनकी फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव हैं, उनके भी रिलेटिव हो सकते हैं। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइटिंग चल रही है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर पेरेंट्स से भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा। अगर कोई इनका सुनेगा तो वो हो आप। इसलिए हर एनर्जी से, ट्रिगर एनर्जी से दूर होने के लिए और आपसे प्यार और अपनी हील, आप अपनी हील करने के लिए, अपनी हीलिंग पाने के लिए अपने प्यार के पास आना चाहते हैं, ठीक है। ये बंदा या बंदी की लाइफ में फाइटिंग भी चल रही है और थर्ड पार्टी से भी चल रही है, लेकिन ये आपको इस वक्त कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन थोड़ा इनसिक्योर इसलिए कि क्या आप उन्हें साथ दोगे, तो दर्द भी है, पीड़ा भी, लेकिन चाहत है। इस वक्त यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली जो भी इनके लाइफ में सिचुएशन है वो इनको परेशान कर रही है। अभी आपके पास आना चाहते हैं, आपका प्यार पाकर अपने आप को स्ट्रांग बनाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। द सन की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी, तो यहाँ पे बहुत सारी फिर कॉल मैसेज की एनर्जी भी है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है, और यहाँ पे एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस करना, यहाँ पे कुछ बैलेंस एनर्जी कहती है। आपके पार्टनर द चैरियट की एनर्जी में भी है, लेकिन आपके पार्टनर बैलेंस चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स कॉल मैसेज एक्शन और रियूनियन के चांसेस हैं। तो ये सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।